वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक भैया ने हनुमान टेकरी आश्रम की वीडियो मांगी थी मुझसे यूट्यूब पे, मैं वो करके कमेंट करके। तो मैं आज उसी आश्रम के पास खड़ी हूँ, देख सकते हो आप लोग, ये आश्रम है वो। और अब मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाऊंगी कैसा आश्रम है। बने रहना हमारे ब्लॉग पे, ब्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि उन भैया ने मांगा था तो आज मैं वहीं आ गई हूँ। ये इस्कॉन मंदिर से थोड़ा ही आगे है और दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ, ये है वो हनुमान टेकरी आश्रम। देख लो, ये हनुमान टेकरी आश्रम है, देख सकते हो। मैं आ गई हूँ हनुमान टेकरी आश्रम पर और आप लोगों को अब जाके दिखा रही हूँ अंदर कैसा क्या आश्रम है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। देखो फ्रेंड्स, ये है हनुमान टेकरी आश्रम, देख सकते हो आप लोग। और फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर जाके दिखाएंगे आप लोगों को, ऊपर भी दिखाएंगे कैसा आश्रम है और ऊपर से फिर नीचे की तरफ भी कैमरा करके दिखाएंगे पूरा आश्रम कैसा है। बस हमारे ब्लॉग पर बने रहना, पूरा देखना लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह आए थे इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मंदिर भी नहीं खुला है। और अभी थोड़ी देर हम रुकेंगे, फिर देखते हैं मंदिर खुलेगा या नहीं। वैसे तो मंदिर खुला है, लेकिन जो पर्दा डली है अभी, जो भी इसमें भगवान जी हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जिन भैया ने मांगी थी उनके लिए बना रही हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे देख सकते हो। सबसे पहले पड़ता है वैष्णो देवी का मंदिर, फिर पड़ता है कमल मंदिर, फिर पड़ता है प्रेम मंदिर, फिर इस्कॉन मंदिर, उसके बाद पड़ता है हनुमान टेकरी आश्रम, जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी खुला नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा ही जल्दी आ गई हूँ, तो यहाँ पे खुला नहीं है ये आश्रम। बहुत बड़ा था फ्रेंड्स ये आश्रम, वो तो आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा होगा कितना बड़ा है। और इसमें रहती भी है फ्रेंड्स, बाई चांस हम लोगों को कहीं रूम नहीं मिलता तो आप लोग बोल सकते हो, तो इसमें रहने के लिए भी आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, अब ये थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे क्योंकि मंदिर खुलने में देरी थी, तो देखो खुल चुका है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया की मूर्ति है, देख सकते हो, जो कि आप लोग वीडियो में। और बहुत ही अच्छा है वैसे तो ये आश्रम, मंदिर भी है और आश्रम भी है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। और फ्रेंड, जिस किसी भैया को या दीदी को वृंदावन की कोई भी मंदिर की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमसे बोल सकते हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे। और रास्ता भी पूछ सकते हैं किसी मंदिर का, हम रास्ता भी बताएंगे आप लोगों। और फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से नीचे जा रहे हैं। ये आश्रम था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और बाय बाय।